भैया सुनिएगा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। थोड़े देर में फोन लगाते हैं हम आपको। आप कुछ बोले भी नहीं रही हैं तो कहाँ से सुनेगा, बताइए क्या पूछना है। ये जो तुम हरे कृष्णा करके बात कर रहे हो, तुम हरे कृष्णा वाले से बात कर रहे हो क्या? ये तुम्हारा भी ब्रेन वॉश कर देगा ससुरा। मेरा तो पूरा का पूरा फ्रेंड खत्म हो गया, कोनो कोनो नहीं बचा, एक को नहीं बचा, मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं बचा, मेरी गर्लफ्रेंड तक छोड़ कर चली गई ससुरी। ये हरे कृष्णा वाले पूरा ब्रेन वॉश कर देते हैं, हम जीवन में अकेले पड़ गए, बहुत मायूसी छाई है। तुम इसके चक्कर में ना पड़ो भैया, हमारे मित्र बन जाओ, हमसे कुछ बतियाओ, हम तो जीवन में अकेले ही पड़ गए इन हरे कृष्णा वालों के चक्कर में। क्यों भैया, हरे कृष्णा वालों ने तुम्हारे जीवन में इतनी मायूसी कैसे ला दी? वो तो सबके जीवन में खुशहाली लाते हैं। ससुरा खुशहाली का ससुरा का खुशहाली लाते हैं? हमारे दोस्तों के साथ हम पार्टी जाते थे, पब में जाते थे, मूवी देखने जाते थे, मॉल जाते थे, कहाँ कहाँ नहीं जाते थे। ससुरा सब का सब छोड़वा दिया और कोई ससुरा अब हमसे बात तक नहीं करता है। अब हमको बहुत मजा आता रहा है वो सब चीज़ में, लेकिन अब तो कोई ससुरा साथ भी नहीं देती। हरे कृष्णा वाले सब ने ऐसा ब्रेन वॉश किया हमारे सारे दोस्तों का, हम कहाँ बताएं। ए भैया, आप उल्टी खोपड़ी वाले हैं क्या? कुछ भी बोल देंगे, मतलब ब्रेन वॉश बोल देंगे। अच्छा चलो, आपके हिसाब से ब्रेन वॉश ही मान लेते हैं। अच्छी बात है ना, इतनी गंदगी भर गई थी, मूवी देखने जाते थे, पब जाते थे, मॉल जाते थे, इतना पैसा उड़ाते थे, सारा सत्यानाश हो गया था जीवन का, इतनी गंदगी भर गई थी दिमाग में, सारा का सारा साफ हो गया ना, अच्छी बात है। अरे ससुरा, तो ये सब के बिना जीवन में मजा कहाँ है? अरे भैया, इसका मतलब आपने असली मजा देखा ही नहीं है। असली आनंद होता क्या है? अरे भाई, असली आनंद होता है भक्तों के संग में, जहाँ आपको कभी टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, ये जो अभी आप दिख रहे ना फ्रस्ट्रेटेड आपका चेहरा, ये सब कुछ नहीं दिखेगा आपके चेहरे पे। जाइए भक्तों के संग में, भक्त सिखाते हैं कि जीवन को कैसे जीना है, जीवन में कैसे आगे बढ़ना है सकारात्मक रूप से, जीवन को काटना नहीं है, जीवन को जीना है। सही में भैया, सही बोल रहे हैं। हाँ जाके देखिएगा ना, तब ना पता चलेगा। अब लेकिन हमको तो शर्म आता है उन सब के बीच में जावे, क्योंकि वो सब ससुरे बहुत अच्छे हो गए हैं और हम तो अभी भी नालायक ही हैं। यही तो अच्छी बात है हरे कृष्ण वालों की, जो ज्यादा नालायक उनको पहली मौका देते हैं। अच्छा ऐसा बात है, तो ऐसा में तो सबसे पहले हमारे नंबर आएगा। हाँ हाँ जरूर, जाइए। अच्छा ठीक है भैया, फिर आज जाके देखते हैं। हमारे दोस्त से हम सुने रहे हैं कि हर सप्ताह क्लास हुआ था शाम को 7 बजे, अब क्लास के बाद बरसात भी हुआ था। वैसे हमारे दोस्त लुका लुका के छुपा छुपा के लात रहे हमारे लिए ससुरा। बहुत टेस्टी है, लोगन कैसनो रहा है, कैसनो ब्रेन वॉश करे, सुधारे, कहीं करे, प्रसाद बहुत अच्छा देता है लोग। ठीक है, तो आज जाते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, प्रसाद पा के देखते हैं कितना हमारे जीवन में बदलाव आता है। ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके, कुछ अच्छा तो सीखने को मिला। ठीक है, चलते हैं। हरे कृष्णा। हाँ हाँ जाइए, जरूर जाइए। हरे कृष्णा।